नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ मैं चौधरी और वक्त हो चुका है आज के कुछ अहम खबरों का। केरल में लगातार तीसरे दिन 22,000 से ज्यादा केस। कर्नाटका में 19 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार। तमिलनाडु में भी मामले बढ़े। पेगासस पर संसद में हंगामा। राज्यसभा 2:30 बजे तक स्थगित। 16 विपक्षी दलों ने मीटिंग कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। लड़कियों की सुरक्षा पर गोवा सीएम ने बदला बयान, कहा मैं बेटी का पिता परेशान था। पीयू ने एमएमसी और लॉ का परिणाम किया जारी। चंडीगढ़ बंद हुआ बरसात का सिलसिला, उमस बढ़ने से फिर परेशान करेगी चिपचिप वाली गर्मी। पंजाब का बड़ा फैसला, पंजाब में आबादी के अनुसार तय होगा अनुसूचित जातियों के कल्याण का सालाना बजट। अगले स्तर में पेश होगा विधेयक। पटियाला में प्रदर्शन, सामूहिक अवकाश लेकर पंजाब भर से हजारों मुलाजिम सीएम सिटी में जुटे, सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब सुधारों पर रहेगा जोर। फतेहाबाद में आफत बनी बारिश, 3 दिन में 200 mm बरसात। पूरी पुरानी इमारत गिरी, 5 फुट तक भरा पानी। हिमाचल में मौसम बना बाधा, सीएम जयराम का दौरा रद्द। लाहौर में फंसे 221 लोग, चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर नहीं भर पाया उड़ान। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पार्किंग की छत पर गिरा डंगा। सिरमौर में नेशनल हाईवे बंद। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। निचले इलाकों में खेतों की तरफ बढ़ा पानी। रोहिणी के एक फ्लैट में मिली युवक और युवती की लाश, पड़ताल में जुटी पुलिस। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।